अब हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हमने अपने फर्स्ट भाग में क्या देखा था, तो फर्स्ट भाग में हमने देखा था पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेंगे, कौन सी ग्लैंड भाग लेंगे और कितने एंजाइम भाग लेंगे। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझते हैं, कार्य क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो पाचन तंत्र का मुख्य रूप से कार्य क्या है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते थे, डायग्राम देखे थे हम अपना। डायग्राम में ये आपके सामने है डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इससे पहले हमने जो डायग्राम में देखा था कि पाचन तंत्र में क्या भाग ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या भाग ले रहे हैं, बक्कल कैविटी, क्या भाग ले रहे हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। फिर इसके बाद क्या है, फायरिंग्स है। फायरिंग्स के बाद क्या है, ग्रास नली है, ओसोफेगस है। फिर क्या है, आप देखेंगे आगे स्टमक, अमाशय। अमाशय के बाद फिर क्या है आपका, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग हैं, तीन भाग हैं, ड्यूडनम, जीजनम और इलियम। फिर यहां से हमारे एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है सिक्कम, या इसी के अंदर उपस्थित होता है अपेंडिक्स, और उसी से हमारी क्या शुरू हो जाती है, बड़ी आंत। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ भाग हैं जिसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत पढ़ते हैं, आहार नाल के अंतर्गत। जिसका दूसरा भाग क्या है, ग्रंथियां हैं, जिनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। तो अगर हम देखें तो हम किस तक, अब तक चर्चा हमारी कहां तक हो चुकी है, हमारी सबसे पहले चर्चा कहां पे हुई है, बक्कल कैविटी पे। तो बक्कल कैविटी पे हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत तीन ऑर्गन्स हमको पढ़ने थे, जिसमें क्या था, एक टीथ था दांत, दूसरा जीभ और तीसरा क्या था, सलाइबा ग्लैंड। तो दांत के बारे में हमने पढ़ा था, दांत के बारे में क्या पढ़ा था हमने, तो दांत के बारे में हमने देखा था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन और इसके अलावा क्या है आपका, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रजनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनके कार्य क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए हम अपने मनुष्य के दांतों को क्या कह देते हैं, हेट्रोडेंट कह देते हैं, विषम दंती कह देते हैं। ऐसे जीव जिनके सारे दांत एक समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समदंती कहते हैं, होमोडंट कहते हैं, जैसे सार्क मछली। फिर हमारे दांत एक गर्तनुमा संरचना, गड्ढेनुमा संरचना में पाए जाते हैं, इसलिए इसको थीकोडंट कहते हैं। थीको का मतलब ही क्या होता है, जबड़ा, गम, मसूड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, थीकोडंट कह देते हैं। दांत के कितने भाग हमने देखे थे, दांत के चार भाग होते हैं, सफेद चमकीला भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, सफेद चमकीले भाग को, इसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राउन। और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है, इनेमल की, और ये इनेमल क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। इसके अंदर हम क्या पाया जाता है, दूसरी लेयर, जिसका नाम क्या था, डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर क्या पाया जाता था, डेंटाइन के अंदर क्या थी, पल्प कैविटी। जो दांत हमको दिखाई देता है वो केवल 1/3 भाग दिखाई देता है, शेष 2/3 भाग हमें दिखाई नहीं देते, वो कहाँ होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं। फिर हमने नेक देखा था, जहां से दांत मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं। फिर इसके नीचे जब हम आते हैं, मसूड़ों से नीचे रूट वाला भाग, जिसमें क्या पाया जाता है, सीमेंटम, जो दांत को क्या करता है, मसूड़ों, गम के अंदर क्या करता है, पकड़ के रखता है। पकड़ के रखने का क्या मतलब है, जिसके अंदर सेट होते हैं दांत, तो उसी रूट वाले भाग में पाया जाता है सेमेंटम। और हमने ही वहां पे क्या देखा था, आरसीटी। तो दांत वाले क्राउन वाले भाग में जब कार्बोहाइड्रेट या मांस के टुकड़े चिपक जाते हैं और लार के अंतर व्यवहार क्रिया के कारण वो अम्लीय हो जाता है और धीरे धीरे उस पर जीवाणु लगते हैं, जो ऊपर क्राउन वाले भाग से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, रूट में, और क्या कर देते हैं, नर्व को, तंत्रिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, दांतों में दर्द, ब्लड का आना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस सीमेंटम को फिर से भरवाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आरसीटी। उसी सीमेंटम को फिर से डाला जाता है, इसी विधि को क्या कहते हैं, आरसीटी कहते हैं। दांतों का मुख्य कार्य क्या बताया गया था, तो दांतों का मुख्य कार्य क्या था, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और कुछ ध्वनियों को बोलने में सहायक होना। कौन सी ध्वनियां थी, तावण, ता, था, दा, धा, ना, ये सारी ध्वनियां को बोलने में भी दांत क्या होते हैं, सहायक होते हैं।
फिर जीभ के बारे में हमने देखा था बक्कल कैविटी में, तो जीभ क्या है, एक प्रकार की मांसपेशी है, सबसे हार्ड है मांसपेशी, जो स्वाद की अनुभूति कराती है किसके माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से। तो जीभ का काम क्या था, लार को भोजन में मिलाना। इससे क्या पता चलता है कि जीभ से या टंग से लार नहीं निकलती, उसके लिए कोई दूसरी ग्रंथि या ग्लैंड होगी, जीभ से लार नहीं निकलता, उसका काम सिर्फ क्या है, लार को भोजन में मिलाना। अब हम देखते हैं आगे, लार को भोजन में मिलाना है, जीभ किसके अलावा क्या काम करती है, तो कुछ ध्वनियों को बोलने में भी ये सहायक है। इससे 2017 आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था मोनोसोडियम ग्लूकामेट के रूप में, जिसके बारे में डिस्कस भी किया गया था। अब हमारा बक्कल कैविटी में जो तीसरा भाग बसता है जिसका नाम क्या है, सलाइबा ग्लैंड, तो हम क्या पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी से डाइजेशन शुरू करते हैं और हमें डाइजेस्ट क्या करना है ये भी तो हमको जानना है। तो हमें डाइजेस्ट क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट जो जटिल रूप में है, कॉम्प्लेक्स रूप में, उन्हें एंजाइम की सहायता से क्या करना है, उन्हें सरल रूप में लाना है। तो इसको देखेंगे हम, आइए देखते हैं। तो सरल रूप में क्या लाना है हमें, कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलना है, जब हम भोजन के रूप में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं हम, पॉलीसेकेराइड, क्या लेते हैं भाई, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, बहु शर्करा है, जिससे स्टार्च है, जिसको हम मंड बोलते हैं, माड़ गांव में इसको क्या बोलते हैं, मंड या माड़ बोलते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो जब माता या बहनें जब भोजन बनाती थी तो उसमें कहती थी माड़ निकाल दीजिए, माड़ का क्या मतलब है, यही स्टार्च। और इस स्टार्च किसमें बदलेगा, स्टार्च आपका किसमें बदल जाएगा, डाइसेकेराइड माल्टोज में, और डाइसेकेराइड किसमें बदल जाएगा, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितना हो जाएगी, 120 से 120 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है, तो इसी ग्लूकोज को किसमें चेंज करा दिया जाता है, लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन फिर क्या बन जाती है, पॉलीसेकेराइड है, आपको बताया गया था बहु शर्करा है, और ये ग्लाइकोजन जब अतिरिक्त हो जाती है तो किसमें बदल जाता है, फैट में। प्रोटीन किसमें टूटेगा, तो प्रोटीन किसमें टूटता है, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स किसमें टूटता है, पॉलीपेप्टोन्स में, और पॉलीपेप्टोन्स किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में। इससे ज्यादा अतिरिक्त मात्रा होने पर अमीनो एसिड भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, फैट में। और फैट जो होता है जटिल, किसमें बदल जाता है, ग्लिसराल के एक अणु और वसीय अम्ल के तीन अणु, अतिरिक्त फैट भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैट में ही। कैसे फैट में, जब लिए थे तो क्या था, कॉम्प्लेक्स फैट था, और ये कैसा फैट होगा, सिंपल फैट होगा, कॉम्प्लेक्स फैट, सिंपल फैट, ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, एक बार उसको ध्यान से देख लें। अब हम शुरू कर रहे हैं डाइजेशन बक्कल कैविटी से, तो कैसे होगा डाइजेशन, तो यहां पे देखते हैं डाइजेशन में। आपको बताया गया था कि बक्कल कैविटी में क्या पाया जाता है, तो बक्कल कैविटी में जो चर्चा किए थे, तो बक्कल कैविटी में दांत और जीभ के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हमारी चर्चा किस पे होनी है, सलाइवा ग्लैंड पे। तो सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, तो सलाइवा ग्लैंड ये हमारे बक्कल कैविटी में कितना पाई जाती हैं, तो तीन जोड़ी पाई जाती हैं। संख्या में कितनी होंगी, छह, संख्या में कितनी होंगी, सिक्स होंगी। कितनी पाई जाती हैं, तीन जोड़ी, क्यों भाई, कितनी पाई जाती हैं, तीन जोड़ी। पहली कौन सी है, जिसका नाम है सब मैक्सिलरी, क्या नाम है, सब मैक्सिलरी। दूसरी कौन सी है, सब लिंगुअल, क्या है, सब लिंगुअल। और तीसरी कौन सी है, पायरोटेड, कौन सी है, पायरोटेड। तो तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है, पायरोटेड। तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पायरोटेड। और सांप में यही ग्रंथ, सांप में
सर्प में, स्नेक में यही पायरोटिड ग्लैंड किसमें बदल जाती है, विष ग्रंथि के रूप में बदल जाती है। फिर सब मैक्सिलरी, तो सब मैक्सिलरी कहां पाई जाती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो ये जीभ के ऊपर पाई जाती है, ऊपर और नीचे पाई जाती है, जीभ के ऊपर साइड और नीचे साइड पाई जाती है। और जो आपका दूसरी है सब लिंगुअल, ये केवल जीभ के ऊपर ही पाई जाती है। और पायरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है, सबसे पीछे बक्कल कैविटी में, कहां पाई जाती है, सबसे पीछे इस स्थान पे क्या पाई जाती है आपकी पायरोटिड। और ये अगर हम अपनी जीभ मान लें तो इस जीभ के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पे कौन सी ग्लैंड होगी, सब मैक्सिलरी। और जीभ के केवल ऊपरी हिस्से पे कौन सी ग्लैंड है, तो जीभ के ऊपरी वाले हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ कौन पाई जाती है, एक जोड़ी। यहां पे देख लें तो एक जोड़ी क्या पाई जाती है, सब लिंगुअल। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जीभ के ऊपर और नीचे कौन सी है, सब मैक्सिलरी। जीभ के केवल ऊपर कौन है, सब लिंगुअल है। फिर उसके पीछे वाले हिस्से पे कौन सी है, सबसे पीछे इस स्थान पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं पायरोटिड। इन लार ग्रंथियों से 24 घंटे में कितनी लार बनती है, तो 24 घंटे में कितना बनती है, 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर बनती है। और इस लार का 95% भाग क्या होता है, 95, इस लार का कितना परसेंट, 99% भाग क्या होता है, इस लार का 99% भाग होता है जल। क्या होता है, जल, वाटर। 99% भाग क्या होता है, जल। और बचा कितना भाग, 1% भाग बचा। इस 1% भाग में क्या पाए जाते हैं, तो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन, टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम होता है अल्फा एमाइलेज। क्या नाम होता है, अल्फा एमाइलेज। और दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। इसके अलावा कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, थायोसाइनेट आयन पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, शुरुआत कहां से होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत आपके कहां से हो जाती है, बक्कल कैविटी से। जैसे मान लीजिए हम पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा जब खाए तो 1-2 मिनट हमको कुछ इस तरीके से शंका हुई कि उसमें कुछ पड़ गया है, जैसे बाल है या कोई जीवाणु है। तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है भोजन। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिल चुका है, लार। तो लार में ऐसा क्या था, तो लार कुछ अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। और लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.8, अम्लीय। और भोजन हमें कुछ जला सा महसूस होता है जब हम बाहर करते हैं, पिज्जा नहीं रह जाता, ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो जो पिज्जा किसमें बदल गया भाई, बोलस में बदल गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे, अभी हमने केवल बक्कल कैविटी से स्टार्ट किया है, तो बक्कल कैविटी में क्या हुआ, लार ग्रंथियां पाई जा रही थी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, जिनसे क्या निकल रहा था 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी लार निकल रही थी, 1.5 लीटर। उसका 99% भाग क्या था, जल। बचा कितना, शेष 1%, जिसमें 2 एंजाइम आपको याद रखने हैं, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, और दूसरा कौन सा है, लाइसोजाइम है। दूसरा एंजाइम कौन सा है भाई, लाइसोजाइम है, जिसको एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी कहते हैं, जीवाणुरोधी, जीवाणुनाशक एंजाइम भी कहते हैं। तो इस जो टाइलिन निकल रहा है, टाइलिन और आपका अल्फा एमाइलेज और लाइसोजाइम, ये क्या करते हैं, तो टाइलिन का काम क्या है, हम देखें, टाइलिन या इसको क्या दूसरा नाम बोला गया है, इसका नाम है अल्फा एमाइलेज। क्या नाम है, अल्फा एमाइलेज। तो ये क्या करता है, जो भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बक्कल कैविटी में किसका पाचन होता है, तो बक्कल कैविटी में या मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो यहाँ पे अल्फा एमाइलेज क्या करता है, जो हम भोजन के रूप में लिए रहते हैं पॉलीसेकेराइड, क्या लिए रहते हैं, पॉलीसेकेराइड, जिसको क्या बोलते हैं, बहुशर्करा, जिसका नाम क्या है, स्टार्च या मंड, स्टार्च या मंड, इसको किसमें बदल देता है, डाइसेकेराइड में बदल देता है, डाइसेकेराइड,
डाइसेकराइड जिसे द्विअणु शर्करा कहते हैं, और ये किसमें बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है, कितना 30%, इसका ध्यान देना है, कितना परसेंट बदलता है 30%, लेकिन अभी भी 70% क्या बचा हुआ है, माल्टोज बचा हुआ है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है डाइजेशन की, उसमें 100% नहीं बदला है, कितना बदला है केवल 30%, आगे चल के 70% यही पॉलीसेकेराइड स्टार्च फिर किसमें बदलेगा, माल्टोज में, और बदलने के लिए फिर यही एंजाइम मिलेगा एमाइलेज, लेकिन उसका प्लेस क्या होगा, अलग होगा वो, दूसरी कोई अलग ग्लैंड होगी। आपको ये जानना है कि पॉलीसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, तो इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स आप ध्यान से देखिए, उसमें सारी चीजें क्लियर की गई हैं, क्या है पाली, क्या है डाई, माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, उसको देखें फिर वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डाइसेकेराइड माल्टोज में बदल दिया, और यहीं पे बक्कल कैविटी में ही भोजन क्या हो जाता है, बक्कल कैविटी में ही भोजन किस रूप में हो जाता है, तो इस बक्कल कैविटी में केवल 30% क्या बदला गया, आपका पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में बदला गया, कितना 30%, और क्या हो गया, आपने जो भोजन लिया था उसका रूप परिवर्तित हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, उस फॉर्म को बोले भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस। और जब तक भोजन बक्कल कैविटी में रहता है, जब तक भोजन बक्कल कैविटी में रहता है तब तक वॉलेंटियर रिएक्शन होता है, ऐच्छिक क्रिया होती है, आप अपने भोजन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, निगल भी सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर भोजन फूड पाइप ओसोफेगस ग्रसनी से नीचे चला जाए तो कैसा रिएक्शन हो जाता है, नॉन वॉलेंटियर रिएक्शन हो जाता है, फिर आप भोजन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक भोजन बक्कल कैविटी में है तब तक आप भोजन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको निगल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ये आपकी अपनी अच्छी क्रिया होगी, लेकिन जैसे ही भोजन कहां जाता है, फूड पाइप के नीचे जाता है, तो ऐसे ही हम क्या कह देते हैं, नॉन वॉलेंटियर रिएक्शन, हम भोजन के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा बक्कल कैविटी में हमने देखा कि यहां पे हमारी कितनी ग्लैंड खत्म हुई, एक ग्लैंड, और पूरे डाइजेशन में कितनी ग्लैंड भाग लेती है, पांच ग्लैंड भाग लेती है, एंजाइम कितने भाग लेते हैं, नौ एंजाइम, ध्यान देना है हमें, हम आगे देखेंगे, अभी क्लियर करेंगे कि ग्लैंड क्या होती है और क्या निकलता है, किसको बाह्यस्रावी कहते हैं, किसे अंतःस्रावी कहते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखें, एक एक करके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब यह हमारा अभी तक हमारे दिमाग में सेट हो गया कि 70% क्या बचा हुआ है, 70% बचा है हमारा पॉलीसेकेराइड, किसमें बचा हुआ है, अभी इसको डाई में नहीं बदला गया है, एक एंजाइम हमारा खर्च हो चुका है, उसका नाम क्या है, टाइलिन या अल्फा एमाइलेज। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, तो भोजन को धीरे धीरे, भोजन जब कहां जाता है, फूड पाइप में जाता है, तो क्रीमी रूप में जाता है, जैसे कीड़े चलते हैं बरसात के दिनों में, जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, और ये किसके निर्देशन में होता है, ये किसको कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क कंट्रोल करता है, अपने आप भोजन फूड पाइप से आमाशय में नहीं जाता, इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे कहां पहुंचाया जाता है, आमाशय में। अब यहां से जब भोजन आगे बढ़ेगा, जो किस रूप में था, यहां पे क्या मिला, फायरिंग्स, ग्रसनी से नीचे जब जाता है, फायरिंग से नीचे कहां जाएगा, ग्रसनी, ग्रसनी से नीचे कहां जाएगा, ये फूड पाइप, जिसे क्या कहते हैं, ओसियोफेगस, क्या कहते हैं, ओसियोफेगस, या इसका नाम क्या है, ग्रास नली, ग्रास नली नाम है इसका, और इस ग्रास नली से भोजन धीरे धीरे क्रीमी रूप में क्रमाकुंचन करते हुए कहां जाएगा, ये आपका जाता है पाइलोरिक वाल, पाए जाते हैं जो खुलते हैं, और इसी के द्वारा ये भोजन कहां पहुंच जाता है, स्टमक में, जिसे अमाशय या क्या कहते हैं, पेट में। ग्लैंड कितनी खत्म हो चुकी है, तो ग्लैंड हमारी एक खत्म हुई है, और वो कौन सी ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो खर्च हुई है। अब भोजन आगे धीरे से पहुंचेगा, बोलस के रूप से कहां पहुंच जाएगा, अमाशय में। अब अमाशय के चारों तरफ, अमाशय के दीवालों के चारों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे क्या निकलता है, इन ग्लैंड से निकलता है HCl,
और क्या निकलता है, दो एंजाइम निकलते हैं, एक का नाम है रेनिन और दूसरे का नाम क्या है, पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। तो रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है, इतना हम मिटा दे रहे हैं, जगह की कमी है। क्या निकल रहा है? रेनिन और पेप्सिन निकलता है। अब यहां पे देखते हैं, जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो सबसे ज्यादा देर तक कहां रहता है अमाशय में? तो भोजन सबसे ज्यादा देर तक बोलस के रूप में कहां रहेगा? अमाशय में रहता है। कितने देर रहता है? लगभग 4.5 घंटे रहता है। कितना रहता है? 4.5 आवर रहता है, 4.5 घंटे तक रहता है। तो इतनी देर तक भोजन रहता है तो क्या होता है, और भोजन के साथ कोई इसमें इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए सबसे पहले क्या निकलता है? HCl निकलता है। तो HCl जब निकलेगा, क्या निकल रहा है? HCl। HCl निकलता है यहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये हरे कलर का होता है। तो ये क्या करता है, जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया है, जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को क्या करता है? पहला काम तो नष्ट करने का काम करता है। दूसरा HCl का काम क्या है? तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खाने में भोजन के साथ साथ क्या खा लेते हैं? कंकड़ पत्थर खा लेते हैं। तो उसको गलाने का काम क्या करता है? HCl करता है। फिर क्या करता है, जैसे जब हम लोग पार्टी में जाते हैं, कुछ मांसाहार भोजन ले लेते हैं, तो हड्डियां बोन्स वगैरह भी क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं। जब भोजन ले लेते हैं, निगल जाते हैं, उस भोजन को गलाने का, उस अस्थियों को गलाने का कार्य कौन करता है? बोन्स को गलाने का काम कौन करता है? HCl। तो HCl यहाँ पे क्या करता है, जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम कर रहा है, जो अब तक बक्कल कैंपटी में नहीं नष्ट हुए थे। और वहां पे हमने देखा था कि एक एंजाइम भी निकल रहा था जिसका नाम था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी क्या कर रहा था? भोजन के साथ, ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा था। ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को कौन नष्ट कर रहा था? ये कर रहा था लाइसोजाइम। और ये जो HCl है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया अब तक नहीं नष्ट हुए थे उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो लाइसोजाइम का काम केवल बैक्टीरिया को नष्ट करना है, जबकि टाइलिन या अल्फा एमाइलेज जो पहला एंजाइम था, उसका काम क्या था? तो उसका काम था 30% पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलने का था। तो यहां पे हमारे दो एंजाइम खत्म हुए थे, एक लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन या अल्फा एमाइलेज। यहां पे HCl का काम आपने देख लिया। फिर यहां एक और एंजाइम निकलता है इसी सेल से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जिसका नाम क्या है? रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रेनिन क्या करता है भाई? रेनिन क्या करता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, ये दूध में पाए जाने वाली, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में पाए जाने वाली केसीन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? ये दूध में पाए जाने वाली केसीन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? दही कहते हैं। तो दूध को में पाए जाने वाली केसीन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। कैसे? अगर हम देखें, जब छोटे बच्चे वोमिटिंग करते हैं दूध पीने के बाद, तो दूध थक्के के रूप में बाहर आता है। तो ऐसे भोजन को क्या, कौन बदला दूध को दही में? तो किसने कन्वर्ट कर दिया? रेनिन। और ये 14 साल तक निकलता है। तो 14 साल के बाद क्या होता है? तो 14 साल के बाद दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट दही में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन। अब यहां पर हम दूसरा एंजाइम देखते हैं जिसका नाम क्या है? पेप्सिन भी निकल रहा है इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जठर ग्रंथियों से, इसे जठर रस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जठर रस किसे कहते हैं? तो रेनिन, पेप्सिन, HCl, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जठर रस के अंतर्गत आएंगे, जो पेट या अमाशय के आंतरिक दीवालों से निकलते हैं। अब यहां से ये निकला पेप्सिन तो क्या करेगा? तो पेप्सिन क्या करता है, जो हम दाल के रूप में, मांस के रूप में प्रोटीन लेते हैं, इस प्रोटीन को क्या किसमें बदल देता है? इस प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। किसमें बदल देता है? पेप्टोन्स में। तो प्रोटीन का एक चरण डाइजेशन का क्या हो गया? आगे बढ़ गया। प्रोटीन किसमें बदल गया? पेप्टोन्स में बदल गया।
तो अगर अमाशय में पूछा जाए तो किसका पाचन हो रहा है, तो ही पाचन होता है प्रोटीन का। बक्कल कैविटी में किसका पाचन हो रहा है, तो बक्कल कैविटी में किसका पाचन होता है भाई, तो बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का। और पूछता है माध्यम कैसा रहता है अमाशय में, तो अम्लीय रहता है। कैसा रहता है, अम्लीय रहता है, एसिडिक होता है। जैसे जब हम सबने समय से भोजन नहीं करते हैं, तो जैसे अगर हम 10 बजे भोजन करते हैं तो HCl 10 ही बजे निकलता है, जो भूख का एहसास कराता है। एक दो मिनट के लिए हमें बहुत ज्यादा तेजी से भूख लगती है, फिर इसके बाद भूख का एहसास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस क्रिया बार बार होने पे क्या करने होता है, तो एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो यही अम्लीय जो डकार के रूप में आता है अम्ल, ये किसका है, HCl का। तो हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो सफेद रंग का होता है, तो इनो क्या है, छार है, और ये अम्ल छार आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इतना बात क्लियर हो रही होगी। अब आगे देखते हैं, अब तक हमारे कितने प्रो एंजाइम खत्म हुए, तो 4 एंजाइम खत्म हो चुके हैं। टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एक ही नाम है, दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। तीसरा, अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा निकल रहा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रेनिन और पेप्सिन। HCl एंजाइम नहीं है, तो 4 एंजाइम और 2 ग्लैंड हमारी खत्म हो चुकी है। पहली ग्लैंड कौन सी थी, जीभ के ऊपर सलाइबा, और ये अमाशय में कौन सी ग्लैंड खत्म हो चुकी है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, उसका नाम क्या है भाई, हाँ बताएं क्या नाम है उसका, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि। और अब तक भोजन क्या हुआ है, जब हमने खाया था पिज्जा, उसमें लार मिल गया तो बोलस बन गया। अब इस बोलस वाले भोजन में क्या मिल जाता है, HCl मिलता है, तो भोजन गाढ़े लेही की तरीके हो जाता है, गम के तरीके हो जाता है। तो ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं, काइम। तो अमाशय में भोजन किस रूप में पाया जाता है, काइम के रूप में पाया जाता है। भोजन किस रूप में पाया जाता है, काइम के रूप में पाया जाता है। इतना बात क्लियर हो रही होगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, अब जैसे ही भोजन यहां से आगे बढ़ता है, तो यहीं पे क्या मिल जाता है हमको, यहां पे क्या मिलेगा हमें, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, जितना हो गया है भाग इसको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब हमारे पास स्पेस मिल गया। अब यहां से जब भोजन आगे बढ़ेगा, तो यहां से भोजन कहां बढ़ रहा है, अमाशय में। यहां से भोजन हमारा कहां बढ़ेगा, धीरे धीरे छोटी आंत की तरफ चलेगा, और यही अमाशय से ही क्या शुरू हो जाती है, छोटी आंत शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जा रही है भाई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जा रहा है। आगे देखें, तो यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। छोटी आंत के कितने भाग हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के कितने भाग हैं, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहला भाग है ड्यूडनम, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। दूसरा क्या भाग है, जिसका नाम है ज्यूजनम, जिसका नाम है मध्यांत्र। और तीसरा भाग क्या है हमारा, तीसरा भाग है हमारा ग्रहणी, मध्यांत्र, और इसको बोलते हैं पकवाशय या शेषांत्र बोलते हैं। किसको बोलते हैं शेषांत्र, इलियम को। तो ये हमारा इलियम में डिवाइड होता है, और ज्यूजनम में, और किस में डिवाइड होता है, आपका ड्यूडनम में। इसको हम कैसे याद करें, तो DIG कोड से याद कर सकते हैं, ड्यूडनम, इलियम को ड्यूडनम, और DIG कोड से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, किसको, छोटी आंत के इलियम वाले भाग को। अब हम आगे देखते हैं, जब यहां से भोजन चलता है, यहां तो अम्लीय रूप में है, फिर यहां छोटी आंत के से ड्यूडनम वाले भाग में कुछ और ग्रंथियां मिलती हैं, जिससे सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है, लीवर, और लीवर से क्या जुड़ा रहता है, गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर की पाइप कहां जाके मिलती है, छोटी आंत के ड्यूडनम में।
यहीं पे हमारा एक दूसरा ग्लैंड भी पाई जाती है, मिक्स ग्लैंड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेंक्रियाज या अग्नाशय। जिसका नाम क्या है, पेंक्रियाज या अग्नाशय। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम है, हम एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, धैर्य बनाए रखें, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। अब यहां पे प्रश्न पूछता है लीवर में क्या बनता है, तो लीवर में क्या बनता है भाई, तो लीवर में बाइल जूस बनता है, पित्त। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या बनता है, पित्त। लीवर का दूसरा नाम क्या है, यकृत, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जिगर। क्या बोलते हैं, जिगर। तो यहां पित्त रस बनता है, और पित्त रस का फॉर्मेशन होता है, बन के पित्त रस कहां जाता है, गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से पित्त रस कहां जाता है, छोटी आंत के ड्यूडनम वाले भाग में। ये इतना हिस्सा क्या है हमारा, ड्यूडनम का है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडनम। क्या बोलेंगे इस छोटी आंत के इस हिस्से को, ड्यूडनम। ये हिस्सा पूरा क्या है, ड्यूडनम है। तो यहां पे क्या मिल रहा है, बाइल जूस मिल रहा है। अब ये बाइल जूस आया, तो बाइल जूस के बारे में हमें क्या पता है, तो 24 घंटे में बाइल जूस कितना बनता है, 24 घंटे में कितना बनता है, 24 घंटे में ये बनता है 700 से 1000, 700 से कितना बनता है, 1000 ml बनता है। कितना बनता है, 1000 ml है, लगभग 1 लीटर। तो बाइल जूस का काम क्या है, तो अब तक हमने डाइजेशन में क्या देखा था, बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन हो रहा था भाई, तो कार्बोहाइड्रेट का, वो भी कितना, 30%। फिर हमने देखा था आमाशय में या स्टमक में किसका हो रहा था, तो प्रोटीन का एक चरण आगे बढ़ा था, प्रोटीन किसे मतलब था, पेप्टोन्स में। भोजन पहले बक्कल कैविटी में किस रूप में था, बोलस के रूप में था, फिर अंदर किस रूप में जाता है, बक्कल कैविटी में बोलस के रूप से जाता है, आमाशय में जहां ये किस रूप में बदलता है, काइम के रूप में बदलता है। ये काइम के रूप में भोजन किस रूप में आएगा, ले के रूप में, तो ड्यूडनम वाले भाग में आता है, किस वाले भाग में आता है, ड्यूडनम वाले भाग में आता है। तो यहां जब भोजन आ रहा है, तो इस भोजन में क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा। तो ये अब तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि फैट का डाइजेशन कहां हो रहा है, तो फैट का डाइजेशन, वसा का डाइजेशन कहां होता है, तो वसा का डाइजेशन होता है यहां ड्यूडनम वाले भाग में, फैट। तो यहां जो फैट आता है भोजन के रूप में, काइम के रूप में, यह फैट आया, इस वसा के ऊपर कौन क्रिया करता है, तो इस वसा के ऊपर क्रिया करता है आपका पित्त रस, बाइल जूस। और इस पित्त रस क्रिया करके इस वसा को क्या बना देता है, पाइसीकृत कर देता है, एमल्सीफाइड कर देता है, पाइसीकृत कर देता है। और इस पाइसीकृत वसा पे कौन कार्य करता है, इस पाइसीकृत वसा पे कार्य करता है यहां अग्नाशय से निकलने वाला एक अग्नाशयी जूस है, जिसका नाम क्या है, इस अग्नाशयी जूस का नाम क्या है, जिसका नाम है लाइपेज, लाइपेज। तो इस पे कौन कार्य करता है, लाइपेज। और एक ही बार में फैट के अणुओं को किसमें बदल देता है, फैट के अणुओं को बदल देगा ग्लिसराल के एक अणु, ग्लिसराल के एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणुओं में, फैटी एसिड के कितने अणुओं में, 3 अणुओं में। तो डाइजेशन में सबसे पहले पूर्ण पाचन किसका होता है, वसा का होता है, फैट का होता है, वो भी कहां होता है, छोटी आंत के ड्यूडनम वाले भाग में। ये पाइसीकृत शब्द आया, एमल्सीफाइड आया है, तो जो क्लाइडिबिलियन पढ़े होंगे जानते हैं, नहीं तो आगे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। तो जैसे हम नहा के आए और बालों में तेल लगाने के बाद कंघी करें, तो कंघी पे कुछ बूंदे दिखाई देती है, उन बूंदों में तेल के साथ साथ क्या है, पानी मिक्स है। उसी तरीके से जो फैट आया था, उस फैट में जब बाइल जूस मिल जाता है, तो सेम कंडीशन हो जाती है, जल और पानी की बूंदों की तरह वो क्या हो जाता है, पाइसीकृत। और उसमें कौन क्रिया करता है, लाइपेज। तब क्या होता है, ग्लिसराल का एक अणु और फैटी एसिड के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 3 अणु। अब ये हमारा कौन सा एंजाइम खर्च हुआ, 5वां, कौन सा, लाइपेज। इससे पहले अल्फा एमाइलेज और दूसरा क्या था आपका, टाइलिन, दोनों एक ही चीज है, फिर लाइसोजाइम दूसरा, फिर रेनिन पेप्सिन और ये लाइपेज 5वां। फिर इसी अग्नाशय से दूसरा एंजाइम कौन सा निकल रहा है, इसी अग्नाशय से दूसरा एंजाइम निकलता है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज। और ये अल्फा एमाइलेज क्या करता है, ये अल्फा एमाइलेज क्या करेगा, तो ये अल्फा एमाइलेज क्या करता है,
ये अल्फा एमाइलेज आपको याद होगा, अभी बताएं 70% जो आपका पॉलीसेकेराइड स्टार्च था, 70% जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च था उसको किसमें बदल देता है ये, 70% पॉलीसेकेराइड स्टार्च को बदल देगा ये डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड द्विअणु शर्करा माल्टोज में, किसमें बदल देगा माल्टोज में। 30% कहां बदला था, बक्कल कैविटी में। फिर यहां से तीसरा एंजाइम निकलता है जिसका नाम है, इन्हीं अग्नाशय से तीसरा एंजाइम निकलेगा जो छोटी आंत के ड्यूडनम में मिलेगा, और ये जो आपका पहले प्रोटीन क्या था, प्रोटीन को किसमें बदला गया था, पेप्सिन अमाशय में आलैन, पेप्सिन ने किसमें बदला था भाई, तो प्रोटीन को किसमें बदला था पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स किसमें बदला गया, इस पेप्टोन्स को बदला जाएगा पॉलीपेप्टोन्स में, और इस पॉलीपेप्टोन्स में बदलने का कौन काम कर रहा है, यही आपका ट्रिप्सिन जो कहां से निकल रहा है, यही ट्रिप्सिन कहां से निकल रहा है, तो ये ट्रिप्सिन आपका निकल रहा है कहां से, तो ये अग्नाशय से निकल रहा है, तो अग्नाशय से पैंक्रियाजिक जूस तीन निकलते हैं, लाइपेज, वही अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन, तो यहां पे हमारे तीन एंजाइम निकले। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जूस क्या है, एंजाइम है, लीवर एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस एंजाइम नहीं है, ये केवल फैट के लिए जिम्मेदार है, वसा के लिए जिम्मेदार है बस। तो अब हमारे कितने एंजाइम खत्म हो गए, बक्कल कैविटी में कितने एंजाइम खत्म हुए थे, दो, पहला कौन सा एंजाइम था टाइलिन या अल्फा एमाइलेज, दूसरा लाइसोजाइम, स्टमक में कौन सा खत्म हुआ था, तो स्टमक में हमारा खत्म हुआ था एंजाइम जिसका नाम क्या था, ट्रिप्सिन, रेनिन और एससीएल, एससीएल को एंजाइम नहीं हो तो गैस है, चार, और तीन कहां पे खर्च हो गए, अग्नाशय से पैंक्रियाज से, कौन सा लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, यही एमाइलेज, वही एमाइलेज है जो कहां से निकल रहा है, बक्कल कैविटी, मुगुहा से, मुगुहा में कौन सी ग्लैंड से, आपके सलाइवा ग्लैंड से, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार ये साइबा ग्लैंड से निकल रहा है टाइलिन के रूप में, और एक कहां से निकल रहा है पेंक्रियाजिक जूस अग्नाशय से निकल रहा है। अब यहां पे हमारे एंजाइम खर्च हो चुके हैं सात, अब ग्लैंड कितनी खत्म हो चुकी है, पांच, तो बक्कल कैविटी में सलाइवा ग्लैंड थी, खत्म हुई थी, और इसके बाद यहाँ पे अमाशय में कौन सी ग्लैंड थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड थी जो अमाशय की दीवारों में पाई जा रही थी, फिर कौन सी ग्लैंड खत्म हुई हमारी, पेंक्रियाज, मिक्स ग्लैंड, एक ये कौन सा है लीवर, और लीवर से गॉल ब्लैडर। और देखिए क्या होता है आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है, किससे बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन से, हीम में फेरस के कितने अणु पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल, परमाणु, चार। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी की डेथ होती है, तो कहां होती है स्प्लीनोप्लीहा में, तो हीम आला भाग किसमें टूट जाता है, फोर फायरिन में, और ये फोर फायरिन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटीन है कौन सा, फोर फायरिन, कौन सा प्रोटीन है, फोर फायरिन, और ये फोर फायरिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जाके कन्वर्ट होता है आपका बिलरूबिन में, किसमें कन्वर्ट होता है बिलरूबिन में, और यही जब बिलरूबिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है बिलरूबिन की, बिलरूबिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ये बिलरूबिन बाइल जूस के साथ जाके मिलेगा छोटी आंत के ड्यूडनम में, तो यही जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, जॉइंटिस, जिसको क्या कहते हैं पीलिया, पीलिया में किसकी जांच की जाती है बिलरूबिन की जांच की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो जॉइंटिस से पीड़ित होते हैं उन्हें क्या खाने के लिए मना किया जाता है, फैट खाने के लिए मना किया जाता है, वसा खाने के लिए, आप देखे होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है तो बिना छौंका हुआ उनको खिचड़ी दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा, प्रोटीन दिया जाएगा, लेकिन फैट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फैट देंगे तो बाइल जूस क्या होगा फिर से बन जाएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा बिलरूबिन, इसका कलर कैसा होता है पीले रंग का, इसलिए पूरे बॉडी में क्या हो जाता है पीले रंग के नाखून, नेल वगैरह क्या होते हैं पीले दिखाई देते हैं। अब इसके बाद भोजन ड्यूडनम से कहां बढ़ता है, जुजनम में, इस हिस्से को क्या बोलते हैं जुजनम,
और जीजनम में इनके फॉर्म नहीं चेंज होते हैं, इनके स्टेज चेंज नहीं होते हैं, पैंक्रियाज जूस तो निकलते रहते हैं आंतरिक जूस, लेकिन ये फॉर्म आगे चेंज नहीं हो पाता है, एक ड्यूरेशन टाइम मिलता है। तो आगे देखते हैं हम कि अब तक क्या हुआ है। आपका कार्बोहाइड्रेट बक्कल कैविटी में 30% चेंज हुआ था और छोटी आंत के आपके अग्नाशय में कितना परसेंट चेंज हुआ, 70%। तो पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में बदल चुका है, प्रोटीन पेप्सिन ने किसमें बदला था, पेप्टोन्स में अमाशय में, और फिर यहाँ पे पैंक्रियाजिक जूस में निकलने वाला ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को किसमें बदल दिया था, पॉलीपेप्टोन्स में, और आपके फैटी और फैटी एसिड और ग्लिसराल के अणु हमें प्राप्त ही चुके थे ड्यूडनम में। अब इसके बाद यही भोजन सेम कहां आगे बढ़ेगा, इस ड्यूडनम से कहां पहुंचेगा, इलियम में, और इलियम वाले छोटी आंत की दीवालों में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बिलाई, और यहां पे छोटी आंतरिक रस से छोटी आंत के इलियम वाले भाग से छोटी आंत के इलियम वाले भाग से कितने एंजाइम निकल रहे हैं, छोटी आंत के इलियम वाले भाग से कितने एंजाइम निकल रहे हैं भाई, तो छोटी आंत के इलियम से यहां आंतरिक रस निकलते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, लैक्टेज, लैक्टेज यहां देखिए जा लगा है, माल्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, और एक निकलता है इरिप्सिन, क्या निकलता है इरिप्सिन, क्या निकल रहा है इरिप्सिन, लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज, सुक्रेज ये तीन निकल रहे हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये तीनों क्या करते हैं आपके 70% जो था डाइसेक्राइड को किसमें बदल देंगे, डाइसेक्राइड को किसमें बदल देते हैं, 70% डाइसेक्राइड को किसमें बदल देंगे, मोनोसेक्राइड में, किसमें बदल देंगे मोनोसेक्राइड में, 70% डाइसेक्राइड को किसमें बदल देंगे मोनोसेक्राइड में बदल देंगे, 70% डाइसेक्राइड को किसमें बदल देंगे मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, और आपका इरिप्सिन क्या करता है ये पॉलीपेप्टोन्स को किसमें बदल देता है, पॉलीपेप्टोन्स को किसमें बदल देगा, ये पॉलीपेप्टोन्स को बदल देता है अमीनो एसिड में, किसमें बदल जाता है अमीनो एसिड में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डाइजेशन कहां कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन छोटी आंत के इलियम वाले भाग में कंप्लीट हो जाता है। आपका फैट के अणु का पाचन कहां होता है, तो ड्यूडनम में हो जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के स्मॉलेस्ट या सबसे सरल अणु कहां मिल जाते हैं, छोटी आंत के इलियम में, जिसे बिलाई द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के बाद इसको कहां डाल दिया जाता है, ब्लड में, और ब्लड से ये किस सिरा के द्वारा, ये यहीं से एक सिरा पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन, नाम क्या है इस सिरे का, इस सिरे का नाम देखते हैं क्या नाम है, हिपेटिक हिपेटिक पोर्टल वेन, क्या नाम है हिपेटिक पोर्टल वेन। तो यहां से आपके प्रोटीन के कौन से अणु मिल जाएंगे, अमीनो एसिड, और आपके ग्लूकोज के कौन से अणु मिल जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, और आपके छोटी आंत के ड्यूडनम में कौन से अणु मिले थे, तो छोटी आंत के ड्यूडनम में मिले थे आपके किसके अणु मिल गए थे छोटी आंत के ड्यूडनम में, फैट के। तो ये सारे अणु कहां चले जाते हैं, एक बेंस होता है, एक सिरा होता है जिसका नाम होता है हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये सारे कहां पहुंच जाते हैं, लीवर में, और लीवर द्वारा इनको उचित मात्रा में कहां डाल दिया जाता है, रक्त में, रक्त वाहिका में, जिससे इसी रक्त वाहिका में ग्लूकोज की मात्रा कितना होती है 120 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये ग्लूकोज होता है। फैट कितना होता है भाई, तो फैट 180 से कितना होता है 200 ग्राम होता है,
तो ये और अमीनो एसिड भी इसके बीच रहते ही हैं ब्लड में, जो हमने पढ़ा ही है प्रोटीन में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत के मध्य में, बड़ी आंत किससे लगी रहती है, सीकम से। किससे लगी होती है, सीकम से। सीकम उसी में एक आपका अवशेषी अंग पाया जाता है जो निकला रहता है, जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स, या इसका नाम होता है क्रीम रूप परिशेषिका। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य में पाया जाता है। इसके बाद से बड़ी आंत का शुरू होती है, और उस बड़ी आंत में सबसे पहले जो भाग मिलता है, यहां से आपकी इस बड़ी आंत शुरू हो जाएगी यहां तक। तो इस बड़ी आंत में क्या मिलता है, तो सबसे पहले बड़ी आंत का हिस्सा आता है सीकम, जिसमें अपेंडिक्स पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, कोलन। और कोलन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो उसका पूरा यूज होता है, आगे हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई बैक्टीरिया नाम है इसका। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, जो शेष भोजन आया रहता है उस भोजन के ऊपर क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया क्रिया करता है और क्या बनाता है, विटामिन के। और इस क्रिया दौरान क्या बनती है, गैसें। तो पूछा जाता है बॉडी के अंदर जो गैस बन रही है वो गैस कहां बनती है, तो बड़ी आंत के कोलन वाले हिस्से में पाने वाला सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जिसका नाम है ई कोलाई, सूरियन कोलाई। सहजीवी का मतलब आप हमें कुछ दें, हम आपको कुछ दें। जैसे आपने भोजन दिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया ने आपको विटामिन के किया दिया, जो ब्लड क्लॉटिंग के क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो छोटी आंत के, सॉरी बड़ी आंत में कौन सा विटामिन प्राप्त हो रहा है, के। यहां गैसें भी बनती है शरीर के अंदर, और यहाँ पे जो जल होता है भोजन के साथ, जो शेष बचा था उस जल को भी अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद शेष बचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, मलाशय में, और मलाशय से फिर एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर हमें भूख लगती है, फिर हम ले लेते हैं न्यूट्रिशन, और फिर हम अपना क्या करते हैं, डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें बायो मॉलिक्यूल्स के स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया। आपको बताए थे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6.5 मीटर, और बड़ी आंत की 1.5 मीटर, टोटल कितना हो गया, 9 मीटर, 8 मीटर, और 1 मीटर में बाकी सारे अंग पाए जाते हैं। तो ये आप शुरू से देखेंगे वीडियो तो सारा समझ में आएगा। ये इसका लास्ट भाग था डाइजेशन का, इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पूरा चर्चा की गई है। एक बार फिर से आके हम देख लेते हैं कि डाइजेशन में क्या हुआ है। तो इसको समझने के लिए आप पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला आपका है हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा है आपका सामने। तो डाइजेशन कैसे होता है भाई, तो डाइजेशन में हमारा काम क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। तो किसके माध्यम से बदलेंगे, तो ग्लैंड ग्रंथियों के माध्यम से। तो पूरे डाइजेशन में 5 ग्लैंड और 9 एंजाइम भाग लेते हैं। 5 ग्लैंड में कौन से ग्लैंड है, तो आपके बक्कल कैविटी में सलाइबा, फिर आपके स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर इसके बाद क्या पाई जाती है आपकी, लीवर, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो अब हम ये देखते हैं अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है, लीवर एक्सोक्राइन है बाह्यस्रावी, और आपकी लार भी बाह्यस्रावी है, और आपका क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बाह्यस्रावी है, जिनसे एंजाइम निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्लैंड कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, ग्लैंड चैप्टर ही हमारा होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे जब भोजन का डाइजेशन हमने देखा था, तो आपके लार से निकलने वाले दो एंजाइम अल्फा एमाइलेज और टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में केवल मुख में किसका पालन किया था, पाचन किया था, कार्बोहाइड्रेट का 30% पॉलीकोडाई में बदला था, बाकी लाइसोजाइम एंजाइम ने बैक्टीरिया को नष्ट किया था, किसको नष्ट किया था, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला था। इसके बाद भोजन फूड पाइप के द्वारा कहां जाता है, अमाशय में। अमाशय में क्या हो रहा है भाई, तो अमाशय में आप क्या देख रहे हैं, तो अमाशय के ग्लैंड पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उस ग्लैंड में क्या पाई जा रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, तो उसमें आपकी एक खास ग्लैंड, एक खास एंजाइम निकल रहा है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन केवल दूध में पाए जाने वाली केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, पेप्सिन अन्य प्रोटीन्स को पेप्टोन से बदलता है। तो अमाशय में केवल किसका पाचन हो रहा है, आपके प्रोटीन का। यहाँ पे भोजन काइम में हो जाता है, बक्कल कैविटी में किस रूप में होता है, तो बोलस के रूप में। यहां से ड्यूडनम में जाता है, तो ड्यूडनम में लार, सॉरी लीवर से बनने वाला बाइल जूस जाता है, जो केवल फैट के लिए जिम्मेदार है, और फैट को क्या करता है,
पायसीकृत कर देता है, दूसरा क्या कर देता है आपका अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम इसी पे क्रिया करता है, वो क्रिया करके पायसीकृत वसा को ग्लिसरॉल के एक अणु फैटी एसिड के तीन अणु में बदलता है। यहीं पे 70% आपका जो 30% बक्कल के एफडी में पता आपका डाइजेस्ट हुआ था पॉलीसेकेराइड डाई में, तो यहां जो 70% पाली है वो डाई में बदला जाएगा और उसको फिर कौन बदलेगा वही एमाइलेज। फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कौन बदला था पेप्सिन अमाशय में, यहाँ पे ये पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टोन्स में बदल देगा। फिर इसके बाद भोजन ड्यूजिनम से होते हुए इलियम में जाता है जहां इलियम की दीवालों से आंतरिक जूस निकलते हैं जिसमें माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज, जो किसी अगर लैक्टेज है तो ये क्या करेगा लैक्टोज को आपके किसमें बदल देगा ग्लैक्टोज में, और सुक्रोज क्या करेगा तो आपके सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदल देगा। कहने का मतलब डाई किसमें बदले जाएंगे मोनो में बदले जाएंगे जिसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। इरिसिन क्या करता है पॉलीपेप्टोन्स को इसमें बदल देगा अमीनो एसिड में, यहां से ये सारे मॉलिक्यूल हेपेटिक पोर्टल वेन एक सिरा है इसके द्वारा लीवर में जाते हैं, लीवर इन्हें उपयुक्त मात्रा में कहां डाल देता है ब्लड में, अगर यहां ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इसी ग्लूकोज को किसमें चेंज कराएगा ग्लाइकोजन में, इसी क्रिया को क्या कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। आगे हम देखेंगे क्या होता है आगे ग्लैंड में कि कैसे ये कार्य करता है। इसके बाद इसके साथ से भोजन जाता है सिकम और अपेंडिक्स से होते हुए कोलेन में जहां इकोलाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो भोजन पे क्रिया करके क्या बनाता है विटामिन के और गैसेस बनाता है। फिर इसके बाद शेष भोजन कहाँ चला जाता है आपके रेक्टम मलाशय द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है। इस चीज को सरल रूप से समझने के लिए आपके लिए दो चीजें जरूरी है कि पहले आप इससे पहले इन दो चित्रों को देख लें। सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये वाला हिस्सा कि किसको क्या पचाना है, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है इस कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टार्च मंड के रूप में है। अब इसमें क्वेश्चन कोई पूछता है कि अगर आप ग्लूकोज लेते हैं तो उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, या आप अमीनो अम्ल लेते हैं तो उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, तो ऑलरेडी सिंपल यूनिट है उनको पचाने के लिए कोई एंजाइम भाग नहीं लेगा, इसलिए ग्लूकॉन डी लेते हैं आप और तुरंत आपको ऊर्जा मिल जाती है क्योंकि उसको बचाने के लिए किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा जटिल को सरल में बदलने के लिए एंजाइम है, सरल को नहीं बदलने के लिए है। अब यहां पे देखिए पॉलीसेकेराइड स्टार्च को किसमें बदलना है डाइसेकेराइड, इसके लिए कौन सा एंजाइम था टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम क्या था अल्फा एमाइलेज। फिर डाई को मोनोसेक्राइड में बदलने के लिए तीन एंजाइम थे जो छोटी आंत के निकलते थे फ्रक्टेज लैक्टेज सॉरी फ्रक्टेज फ्रक्टेज नहीं थे कौन सा है यहां पे तीन एंजाइम निकलते थे आपके, पहला था सुक्रेज, कौन सा था सुक्रेज छोटी आंत के इलियम से, दूसरा क्या था लैक्टेज और तीसरा क्या था आपका माल्टेज। तो ये आपका किसे बदलते थे इस डाइसेक्राइड को किसे बदलते थे मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज कहां जाना जाता है हेपेटिक पोर्टल वेल के द्वारा कहां जाता था लीवर में, लीवर इसको किसमें डाल देता था ब्लड में, अगर ज्यादा अणु हो गए 120 से 80 तो इसी ग्लूकोज को किसमें बदल दिया जाता था ग्लाइकोजन में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने वाला कौन था सबसे पहले पेप्सिन, जो कहां से निकल रहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पेप्सिन को किसमें बदला जा रहा था आपके पेप्टोन्स को किसमें पॉलीपेप्टोन्स में, कौन बदला रहा था ट्रिप्सिन, कहां से निकल रहा था अग्नाशय से निकल रहा था, और ट्रिप्सिन किसमें बदला गया अमीनो एसिड में किसके द्वारा एरिप्सिन में। फैट को एक ही बार में ग्लिसरॉल के एक अणु फैटी एसिड में किसने बदल दिया लाइपेज ने, तो फैट के लिए केवल एक एंजाइम है लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट के लिए चार एंजाइम है कौन सा एमाइलेज या टाइलिन माल्टेज लैक्टेज और आपका कौन सा है सुक्रेज। एंजाइम तो और भी निकलते हैं लेकिन आप में जो है आईएस लेवल में सिर्फ इतना ही पूछता है, वो तो ज्यादा जानकारी टीजीटी पीजीटी के लिए हो जाएगी, यहाँ पे हमें समान अध्ययन करना है। तो ये चार एंजाइम आपको रखना है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन पेप्सिन एरिप्सिन और एक रेनिन, चार इसका याद रखना, और एक किसका है लाइपेज, टोटल 9 एंजाइम याद रखने हैं। ग्लैंड कितना 5 सलाइबा ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड अमाशय में लीवर गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज अग्नाशय, इतने आपको याद रखने हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके अलावा इसको और डिटेल में दिया गया है
एक आपके लिए और चित्र बनाया गया है, ये इसको भी आप पहले क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजों को आपको बताया गया है। ये बक्कल कैविटी है जिसमें दांत पाए जाते हैं, जीभ है, सलाइवा ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, पैरोटेट, फिर यहाँ पे आपका फायरिंग्स है, फिर ओसोफूट वाइव है, ग्रास नली, फिर या पायलोरिक वाल्व, यहाँ पे किनारे किनारे क्या दिया गया है, ये स्टमक का है जिसमें क्या दिया गया है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे क्या निकलेंगे HCl, रेनिन, पेप्सिन, क्या निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, HCl, रेनिन और पेप्सिन। फिर यहाँ पे आपका दिया ही गया, इससे निकल ही रहा अल्फा एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। फिर यहाँ ड्यूडनम वाले भाग को दिखाया गया, ड्यूजनम, इनकी लंबाई 2.5, मध्यान 2.5 और आपके इलियम 3.75। तो सबसे बड़ा भाग कौन होगा, इलियम। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 6.5 मीटर। फिर बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, यहां से लेके यहां तक देखें तो बड़ी आंत की लंबाई कितना हो, 1.5 मीटर और प्लस 6.5 कितना होगा भाई, 8 मीटर। टोटल एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से लेके एनस तक कितना होगी, 9 मीटर। चाहे जहां से भी प्रश्न पूछे आप जवाब दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे, ये कंप्लीट हुआ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।